हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शो टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पे किसी का भी स्टेटस कैसे देख सकते हैं विदाउट एनी सीन, यानी कि आप उसका स्टेटस देखोगे जिसका भी आपको देखना है एंड उस बंदे के पास ना आपका सीन नहीं जाएगा और आप उसका स्टेटस देख भी सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके कैप्शन तक को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसके बारे में जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप वहाँ पे GB WhatsApp को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं GB WhatsApp का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, मतलब एक मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी GB WhatsApp के ऊपर पूरी, तो सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है एंड सेकंड पार्ट का होने वाला है कि आप किसी का स्टेटस कैसे देख सकते हैं विदाउट एनी सीन। तो आप उससे पहले तो इस WhatsApp को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वाले WhatsApp को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब आपको करना क्या है, आपको एज इट इज़ सेम इंस्टॉल कर लेना है इसको, वही आपका सेम आपका नंबर वेरीफाई करना होता है, देन फिर आपका जो गूगल ड्राइव का बैकअप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वो रिस्टोर वगैरह का ऑप्शन आता है, तो आप इसको एज इट इज़ जैसे नॉर्मल एक व्हाट्सएप अकाउंट को हम सेट करते हैं ना, वैसे आपको सेम करना है इसके अंदर। एंड अब आपको करना क्या है, अब जैसे ही उन बंदों के आपके सामने स्टेटस होंगे ना जो आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर हैं, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोबिता वाला स्टेटस है ना, अब यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पे ना देखो आपके सामने दो तरीके के ऑप्शन आएंगे नीचे की तरफ ना, जब भी आप ये वाला WhatsApp यूज़ करेंगे एंड यहाँ से अगर आप इस वाले WhatsApp को यूज़ करके अगर आप किसी का भी स्टेटस देखते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा आपके सामने डाउनलोड का कि आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको एक बार डाउनलोड वाले पे क्लिक कर दिखाता हूँ। अब डाउनलोड में आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पे मोर ऑप्शन, स्टोरी कैप्शन, जैसे यहाँ पे कॉपी कैप्शन, सेव एंड शेयर। अब शेयर में क्या होगा, आपके जितने भी शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आप इनको शेयर कर सकते हैं इस वाले स्टेटस को। एंड सेव के अंदर ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैसेज आ चुका है। एंड कॉपी कैप्शन के ऊपर अगर मान लो सपोज कि यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन, तो यहाँ पे कॉपी कैप्शन पे स्टेटस कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ये आपका कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे अभी तक इस बंदे को कोई भी सीन नहीं गया है, वो कैसे नहीं गया है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई मतलब अनदर फ़ोन के अंदर नहीं दिखाऊंगा, मतलब कोई दूसरे फ़ोन पे नहीं दिखाऊंगा कि सीन आया नहीं आया, क्योंकि ये बंदा अलग है। आप यहाँ पे देख रहे हो डबल टिक का ऑप्शन, डबल टिक ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि अगर आप चाहते हो कि मैंने भाई तेरा स्टेटस देख लिया है तो अब मेरा सीन भी देख लिया अपने नीचे की तरफ स्टेटस के नीचे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीन, अब इस बंदे को शो हो जाएगा वो कि आपने सीन करा। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे, तो जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तब तक उस बंदे के पास आपका कोई भी सीन नहीं आएगा, ना ही उसको पता लगने वाला कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है कि नहीं देखा। तो ये सीन है यहाँ पे। और दूसरी बात है अब यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि सपोज कोई बंदा स्टेटस लगाता है, ये इसी का एक और नया फीचर है, मतलब मस्त सा फीचर है। वो क्या है कि सपोज कोई बंदा स्टेटस लगा, जैसे फॉर एग्जांपल विनीत राघव, यहाँ पे ये मेरा स्टेटस लगा हुआ था एंड ये मैंने क्या करा, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो जैसे ही आप डिलीट कर दोगे ना, तो आपके सामने देखना ऊपर की तरफ एक छोटा सा ना क्रॉस बना हुआ आ रहा है। क्रॉस का मतलब ये है कि इस बंदे ने स्टेटस लगाया था एंड देन उसने डिलीट कर दिया। अब एक बार उसने स्टेटस लगा दिया तो वो आपको शो होगा एंड वो जब तक शो होगा कि जब तक उसका एक्सपायर टाइम नहीं आ जाता, और आप उसके स्टेटस को देख भी सकते हैं एंड उस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिप्लाई भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे डिलीटेड स्टेटस के ऊपर भी रिप्लाई कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा मस्त फीचर लगा मेरे को कि जैसे कोई बंदे लगा लेते हैं स्टेटस और फिर उसको हटा देते हैं, तो आप यहाँ पे लोगों के डिलीटेड स्टेटस भी देख सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा स्टेटस से रिलेटेड, ये सेकंड पार्ट था हमारी सीरीज़ का। तो आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको मेरे चैनल से जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब आपसे मिलते हैं अपने सेकंड एपिसोड में, गुड बाय।